हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 4 और मैं अपने मंदिर को कर रही हूँ साफ, क्योंकि कल नवरात्रि है। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही अपना मंदिर अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और ये मेरी बेटी है, मेरी जेठानी की लड़की है, तो ये सारे फोटोज जो हैं उतार के टोकरी में रख रही है, क्योंकि इसे अच्छे से कपड़े से पोछना है, मिस धोना है। सारे फोटो को उसने टोकरी में रख दिया है। और ये देखिए, मैंने कपड़े को हटा लिया है, अच्छे से झाड़ दूंगी, जो जाले वगैरह लगे थे सब साफ हो जाएंगे। और मैं इसे अच्छे से साफ पानी, और मैंने कपड़ा लिया है सूती, उसी से इसको क्लीन कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए, जिससे कि गंदगी ना रहे, और ऊपर की साइड भी थोड़ा सा पोंछ दूंगी। और ये मैं रेड कलर का इस पे चौकी पे कपड़े बिछाऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, तो इस पे मैं कपड़े बिछा दूंगी साइड से चारों तरफ से। तो मैं अच्छे से देखिए कपड़े फैला दी हूँ एकदम रेड कलर के, कितने खुले कलर है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चुनरी मैं सारी साइड में कर दूंगी। और ये देखिए, मैं अच्छे से इसको कपड़े को, सूती कपड़े को पानी में भिगो के अच्छे से मूर्तियों को साफ करूंगी। साफ करने के बाद से नीचे लगाती जाऊंगी, उसके बाद में सारी मूर्तियों को मैं ऊपर सेट करूंगी। तो बहुत इजी तरीके से मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं और सारी मूर्तियों को अच्छे से फिर लगा दिया है। कैसा लगा? हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब चल रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने अपनी लाडो के लिए। तो देखिए मैं साबूदाने की खिचड़ी किस तरीके से बनाती हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए जो मुझसे गलती हो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए, मैंने साबूदाना लिया, मैंने इसको 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और मैंने इधर प्याज काटी और थोड़ी सी तोई ली थी, टमाटर लिया, अदरक और लहसुन लिया है 2 कली। और ये देखिए, इधर गैस पे, इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो उसमें मैंने लहसुन और ये जो सारे टमाटर और तोई कटे हुए हैं, मैं इसे डाल के अच्छी तरह से चलाऊंगी। और बहुत स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लाडू को खाना है तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। और मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है, ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। हल्दी नमक ऐड कर दिया था और कुछ नहीं ऐड करूंगी, मसाले तो बिल्कुल नहीं डालूंगी। और ये देखिए, मैं इसमें अब डाल दूंगी साबूदाने। और अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। और 2 मिनट ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। तो इसे ऐसे पानी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि बहुत सूखा नहीं बनाऊंगी इसको, थोड़ा गीला ही बनाऊंगी। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, अब इसे मैं पका लूंगी तो बताइएगा ज़रूर।